हेलो बच्चों, कम बैक। तो जो हम लोग आगे आपके साथ प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट वेरिफिकेशन है बच्चों, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। आई रिपीट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। हालांकि आपने इस वेरिफिकेशन को हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डेफिनेटली स्टडी किया होगा। आपको याद होगा हम लोग आपके साथ वहां पर कर रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने प्रोडक्ट कॉस्ट विद कंपैरिजन टू द पीरियड कॉस्ट कंसिडर किया था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको रिकैप कर पाओ, थ्योरी के एंगल से दोबारा से इसको पढ़ पाओ। राइट, लेट अस स्टार्ट। बहुत थोड़ा सा बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो हम अपनी क्लासेस में ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिकैप कर रहे हैं, पढ़िए समझ में आएगा, डोंट वरी। राइट, प्रोडक्ट कॉस्ट हमने कहा सर वो कॉस्ट जो कि हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट के साथ चार्ज करते हैं। पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि हम लोग समय से रिलेटेड चार्ज करते हैं। इसको एग्जाम्पल की फॉर्मेट में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमने कहा सर हमने कहा सर ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है और इस अकाउंटिंग पीरियड को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से ये स्टार्ट होता है फर्स्ट जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर में। ये पूरा कैलेंडर ईयर हो गया। राइट, अगर ये पूरा कैलेंडर ईयर है तो इस कैलेंडर ईयर से रिलेटेड हम लोग जो है कुछ एक्सपेंस का एस्टिमेट करते होंगे। राइट, उस एक्सपेंस के एस्टिमेशन में हमने कहा हमारी फिक्स कॉस्ट भी एक एक्सपेंस है जो कि हम एस्टिमेट कर रहे होंगे। लेट अस से हमने फिक्स कॉस्ट का एस्टिमेट किया कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट खर्च होगी डेट विल बी ₹5 लाख। राइट, अब हम इस फिक्स कॉस्ट को ₹5 लाख को क्या मान रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट मान रहे हैं या फिर पीरियड कॉस्ट मान रहे हैं? अगर मैं कहता हूँ कि सर इसको मैं प्रोडक्ट कॉस्ट मानता हूँ, अगर मैं इसको क्या मानता हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा कि इस कैलेंडर ईयर में मैं कितनी नंबर्स ऑफ यूनिट्स एस्टिमेट कर रहा हूँ कि मैं प्रोड्यूस करूँगा। मैंने कहा सर मैंने एस्टिमेट किया कि सर मैं इस वाले पीरियड के अंदर 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगा। तो हमने कहा सर ठीक है, तो इस केस में अब आप क्या करो कि हर एक यूनिट पर आप जो है कॉस्ट का बर्डन निकाल लो कि कितना डालना चाहिए। हमने कहा 5 लाख पूरा एस्टिमेशन पूरे साल का, 50,000 नंबर्स ऑफ यूनिट्स, और 50,000 नंबर्स ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं फाइंड करूँ तो कॉस्ट पर यूनिट का अमाउंट आ जाता है डेट इज़ ₹5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 यानी कि ₹10, ₹10 पर यूनिट। तो बच्चों मैंने जो है पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट निकाल दी। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे जैसे हम अपने ईयर के अंदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे वैसे वैसे हर यूनिट पर ₹10 का बर्डन फिक्स कॉस्ट का डाल देंगे। हमने यहाँ पर कहा है कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसलिए हर यूनिट पर हमारा ₹10 का खर्चा इंक्लूड कर दिया जाएगा ऑलवेज। जब भी कस्टमर को बेचेंगे तो कहेंगे भैया ये रही वेरिएबल कॉस्ट, ये रही फिक्स कॉस्ट, प्लस किया टोटल कॉस्ट आया, प्लस प्रॉफिट किया, सेलिंग प्राइस निकाला। राइट, सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग इन द प्रोडक्ट कॉस्ट। राइट, बट सर पीरियड कॉस्ट में क्या करते हैं? देखो अभी भी पीरियड कॉस्ट में भी हमने कहा एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी ₹5 लाख की। राइट, अगर हम लोग इसे पीरियड कॉस्ट मान रहे हैं यानी कि समय से रिलेटेड मान रहे हैं, तो हम ये नहीं देखते कि हमारे पूरे साल में कितने यूनिट्स बनने वाले हैं, कितने नहीं बनने वाले हैं, दैट इज इररिलेवेंट। हम क्या करते हैं 5 लाख को उठाकर सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट में, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में उठाकर इसको ₹5 लाख को एज इट इज डाल देंगे, एज इट इज ₹5 लाख का एक्सपेंस दिखा देंगे इन केस ऑफ द पीरियड कॉस्ट। मतलब हमने क्या मान लिया कि हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो समय से रिलेटेड है, इस समय से रिलेटेड जो हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें 5 लाख का अमाउंट एज इट इज एज एन एक्सपेंस दिखा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर्स ऑफ यूनिट्स हमारे पूरे ईयर में कितनी बननी चाहिए, कितनी बनी, दैट इज इररिलेवेंट। राइट, देखो प्रोडक्ट कॉस्ट में हमने क्योंकि वहां पर यह कहा है कि एक यूनिट की कॉस्ट ₹10 की है और हमने एस्टिमेट किया है कि नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी है 50,000। सपोज करो एक्चुअल प्रोडक्शन 40,000 यूनिट्स का होता है, कितने यूनिट्स का, 40,000 यूनिट्स का। तो एक्चुअल बच्चों आप कहोगे सर कैसे होगा, आपने एस्टिमेट किया था 50,000, एक्चुअल 40,000 कैसे होगा? सो हो सकता है ना, आपका एस्टिमेशन हमेशा हमेशा ठीक कहाँ होता है, किसी का भी नहीं होता। राइट, एक्चुअल जो है वो एस्टिमेशन से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। मैंने आपको कहा मान लो ज़्यादा हो गया तो आप ज़्यादा एज्यूम भी कर सकते हो, कम हो गया तो कम भी एज्यूम कर सकते हो। राइट, इन एनी केस इट कैन बी मोर और लेस देन द एस्टिमेशन। मैंने कहा सपोज करो एक्चुअल प्रोडक्शन 40,000 यूनिट्स का हुआ तो आप हर यूनिट के हिसाब से ₹10 का प्रोडक्ट यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब हर यूनिट का ₹10 का जो अमाउंट है हर यूनिट से रिकवर कर रहे थे।
तो आप 40,000 यूनिट से कितना रिकवर कर लोगे? 10 रुपए के हिसाब से हर एक यूनिट से रिकवर कर रहे हो तो 40,000 यूनिट से हो गया 40,000 इंटू 10 यानी कि 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आपने रिकवर कर लिए, जबकि एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है? 5 लाख का, 5 लाख का खर्चा हुआ, 4 लाख रिकवर हुए, यानी कि 1 लाख रुपए अभी आपके रिकवर नहीं हुए। अगर 1 लाख रुपए रिकवर नहीं हुए तो यानी कि ये हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट में तो हमारा लॉस हो गया, राइट? उल्टा भी हो सकता था। अच्छा, वैसे इस 1 लाख को हम बोलते हैं अंडर रिकवर्ड ओवरहेड, अंडर रिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट, अंडर रिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। उल्टा भी, रिवर्स भी हो सकता। रिवर्स मतलब क्या? एक्चुअल प्रोडक्शन 60,000 हो जाता तो आप 60,000 इंटू 10, हर कस्टमर से 10 रुपए के हिसाब से जो है 60,000 इंटू 10 यानी कि 6 लाख रुपए रिकवर कर लेते, जबकि आपका एक्चुअल तो खर्चा अभी भी कितने रुपीज का है? अभी भी आपके पास एक्चुअल खर्चा 5 लाख का है। तो आपने कस्टमर से 1 लाख रुपए ज्यादा रिकवर कर लिया, दैट इज कॉल्ड ओवर रिकवर्ड फिक्स कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट वाले केस के अंदर अंडर रिकवर्ड ओवर रिकवर्ड का कॉन्सेप्ट भी है, जो कि हमने आपके साथ एमसी वर्सेस एसी की क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था, राइट? और पीरियड कॉस्ट की बात मैं बात करूं तो पीरियड कॉस्ट में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पीरियड कॉस्ट में तो इनकम स्टेटमेंट में 5 लाख की फिक्स कॉस्ट है तो 5 लाख का अमाउंट 5 लाख का ही दिखाना है, राइट? सो इन द पीरियड कॉस्ट देयर इज नो अंडर रिकवरी, नो ओवर रिकवरी, ओनली 5 लाख इज द अमाउंट, देन फुल अमाउंट विल बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड कॉस्ट, राइट? तो पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो बेसिकली फिक्स कॉस्ट को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इसको ट्रीट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, मेथड हैं, वे हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली पीरियड कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। एक बार रीड कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है। दिस इज अ मेन एग्जाम, मेन मेन बायफर्केशन। बाकी मैंने आपके आपके पास जो एक नोट्स दिए हुए हैं, उन नोट्स के अंदर इनको अच्छे से लिखवाया हुआ है, आप डेफिनेटली उसको रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे। हो सकता है उसके अगली वीडियो में आपके कमेंट्स के बेस पर हम लोग कुछ और अच्छा बनाएं, और अगर आपके कमेंट्स के बेस पर हम लोग और भी यूट्यूब पर वीडियो डालते रहें, राइट? प्रोडक्ट कॉस्ट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स प्रोड्यूस, किस कैसे प्रोडक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ओके? हम यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पर चार्ज कर रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कैसे चार्ज कर रहे हैं? यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पर। चार्ज मतलब कस्टमर से रिकवरी, कस्टमर से रिकवरी कैसे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। और पीरियड कॉस्ट में क्या करते हैं? चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। हम लोग यहाँ पर ये नहीं देखते कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, कितने नहीं हुए, हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट टाइम के रिस्पेक्ट में डाल देते हैं, दैट इज द ओनली थिंग इन द पीरियड कॉस्ट। चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड टू विच इट रिलेट्स, फिक्स कॉस्ट हमारे समय से रिलेटेड जितनी है उस समय के इनकम स्टेटमेंट में फिक्स कॉस्ट का अमाउंट एज इट इज आ जाएगा, राइट सर? अच्छा, एक बायफर्केशन और भी है, हमने इसको भी एम सी वर्सेज ए सी यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेज अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में अच्छे से डिस्कस किया है, राइट? प्रोडक्ट कॉस्ट में जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन में जब हम इन्वेंट्री के वैल्यूशन की कैलकुलेशन करते हैं तो इन्वेंट्री के वैल्यूशन में प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। आई रिपीट अगेन, इन्वेंट्री के वैल्यूशन में प्रोडक्ट कॉस्ट के सिचुएशन के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूशन के केस में प्रोडक्ट कॉस्ट के सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, पीरियड कॉस्ट के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता, नो, राइट? आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। देखो ना, आपने हमने फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी कहा कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट्स हो रही है, हमारी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट्स चार्ज हो रही है। तो अगर इन्वेंट्री बच गई तो इन्वेंट्री में तो कुछ ना कुछ यूनिट्स की होगी, उस पर भी फिक्स कॉस्ट का बर्डन ट्रांसफर करो ना। जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री पे बर्डन ट्रांसफर करेंगे तो अगली बार वो ओपनिंग बन जाएगी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री पर भी फिक्स कॉस्ट का बर्डन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। और पीरियड कॉस्ट में तो ऐसा होता ही नहीं है, हम लोग जो है यूनिट के हिसाब से फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। तो बच्चों, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के केस में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फिक्स कॉस्ट का कोई भी अमाउंट कंसिडर नहीं होता है, राइट सर? सो बच्चों, आई नो दिस दैट दिस वीडियो इज समथिंग कि अगर आपने ACMC की हमारी क्लास की हुई है तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, नहीं की हुई है तो मैं कहूँगा इस वीडियो को 2 बार 3 बार पूरा देखे, स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया है, बट आपको समझना है नथिंग एल्स, राइट सर? अच्छी लगी वीडियो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू वेरी मच।